क्या क्या समझा देगा लोकल वाली क्लास में। क्लास नंबर दो चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, क्लास नंबर दो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत चीजें बताई गई थी। मैंने कहा था पढ़ने के लिए ना सबसे पहले भौतिक राशि बतानी चाहिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। पिछली क्लास में समझाएगा भौतिक राशि क्या हो, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कल वाली क्लास में जो बताया गया था। भौतिक राशि दो प्रकार की हो, एक सदिश राशि हो। भौतिक राशि वह हो जिसे माप सकते हो, तोल सकते हो। समय माप सकते हो, सेकंड में नाप पाओगे, दिनों में नाप पाओगे, घंटों घंटों में नाप पाओगे। तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में नाप पाओगे, नाप पाओगे नाप पाओगे। दाब पास्कल में नाप पाओगे। जितना मैं बता रहा हूँ सारा उदाहरण पूछ सकता हूँ, जितना भी बता रहा हूँ गोल का किसी से पूछ सकता हूँ। याद रखना बात, यार बीच में खड़ा कर दूंगा क्लास के। उसके बाद मैं जैसा जिस ऐसी राशि जिसे माप सकते हो ना, तोल सकते हो, जैसे भार होगा नाप किलोग्राम या ग्राम में नापोगे तो हमारा भौतिक राशि कहलाएगी। जो हमारा मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि हो दो प्रकार की हो, एक तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, एक सदिश राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। जो सदिश राशि होगी उसमें तुम्हें समझा रहा हूँ सदिश राशि क्या होगी। कल भी समझाया था, आज फिर उदाहरण दे रहा हूँ, हल्का हल्का ब्रीफ कर रहा हूँ। सदिश राशि ये बार बार जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। सदिश राशि एक होगी अदिश राशि। अब जो सदिश राशि अदिश राशि का कल उदाहरण दिया गया था, जो सदिश राशि होगी ना ये ऐसी राशि होगी जिसमें परिमाण भी होगा। परिमाण अभी बता रहा हूँ परिमाण क्या हो, और ऐसी राशि होगी जिसमें दिशा भी होगी। इतनी बात याद रखोगे काम चल जाएगा। दूसरा, इसमें केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण होगा परिमाण होगा और दिशा नहीं होने की। ये बात कल बता दी गई थी अच्छी तरह, इसमें दिशा नहीं होगी। अब उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल इसका इसका उदाहरण है वेग। वेग में परिमाण भी हो, दिशा भी हो कैसे हो बताऊंगा अभी, वो कल भी बताया था मैंने तुम्हें। उसके बाद जैसे हमारा होगा बल, बल में दिशा भी हो। जैसे हम कहने लगे मार्कर रखे, जो डस्टर रखा हुआ इस डस्टर पर हम बल लगा रहे हैं, हमने कहा 10 न्यूटन का बल लगाया। जो 10 न्यूटन है ना, गणित का नंबर, वो हो हमारा परिमाण। क्या हो, परिमाण। मार्ग डस्टर किधर जा रहा है, डस्टर किधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा। इसका मतलब दिशा पता तुम, इधर दिशा पता, इसका मतलब बल। बल में दो चीज है, एक तो परिमाण और दूसरा क्या है, दिशा। इसका इसे बल कैसी राशि हुई, सदिश राशि। वेग, वेग भी यही हो, वेग में दिशा हो, और एक तो वेग हो एक चाल। वेग में क्या अंतर हो, हमने कहा एक इंसान 80 की स्पीड से दौड़ता, ठीक है, पहली बात यहाँ। दूसरे इंसान को कहा एक इंसान वो 80 स्पीड से दौड़ता लेकिन धनोरी की तरफ दौड़ता, तो दूसरी बात में पहली बात में ये अंतर। पहली तो केवल चाल, उसमें दिशा नहीं बताई, जिसमें दिशा नहीं बताते ना वो चाल होगी और अदिश राशि मांगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो अदिश राशि के होंगे, सदिश राशि के होंगे। ये बात कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई, पूरी एक्सप्लेन करी, समझ में आया बात कि कौन सी सदिश राशि होगी, कौन सी अदिश राशि होगी। उसके बाद ये विस्थापन, विस्थापन भी कैसी राशि होगी, विस्थापन भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। और कौन कौन सी अदिश राशि होगी जिसमें केवल परिमाण परिमाण होगा, जैसे चाल होगी चाल। मैंने बताया एक व्यक्ति जो चाल है ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब वो व्यक्ति एक घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ता, समझ में आया बात। और जो वेग होगा ना, क्यों इसमें दिशा नहीं है, चाल में दिशा नहीं होती, वेग में दिशा हो, वेग और चाल में बहुत मामूली सा अंतर हो, दिशा का अंतर हो, इसमें दिशा हो इसमें दिशा नहीं होती। हमने कहा एक व्यक्ति का वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पक्का उसमें दिशा होगी। वेग ये बताना पड़ेगा फिर दिशा किधर होगी, और जहां दिशा पता लग गई ना वो सदिश राशि, और जहां दिशा पता नहीं लगने की ना वह अदिश राशि। मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई साल बीत चुके, इसका मतलब समय, जो समय हमारा हो चुका कई 13 साल हो गए। अच्छा 13 साल हो गए, 13 साल की कौन सी दिशा में होंगे, समय में कोई दिशा थोड़ा पता लगा। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। किस दिशा में, कोई दिशा है ऐसा, उत्तर दिशा में करी या पूर्व दिशा में या पश्चिम में या दक्षिण में, वो खराब कर ली, पता नहीं कौन सी दिशा में खराब कर ली। इसका मतलब समय में दिशा नहीं होती, इसलिए जिसमें दिशा नहीं होती वह कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर, हाँ इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। हाँ इंग्लिश में नहीं याद करोगे तो 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, याद रखना बात, यार खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले ट्रेनिंग देख चलूँ, समझ में। चले चलो अब हम कहानी को बढ़ा रहे, थोड़े आगे बढ़ा रहे, और आज आगे स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर। चैप्टर का जो हमारा नाम होगा उसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। यहाँ कल बात कहाँ बच गई थी, कल बात हमारी बच गई थी इस बात पर जाएगा, यार जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो कैसी राशि होगा, सदिश राशि। लेकिन हमारे पास एक उदाहरण दिया था मैंने तुम्हें कल, एक सर्किट बना के दिखाया था, और ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ये काम भी आएगा तुम्हारे। इस तरह का सर्किट है, 10वीं क्लास में पढ़ा इस तरह की जो सर्किट है, इस सर्किट है, सर्किट को हम परिपथ बोल रहे हिंदी में, ये परिसर्किट हमारा। और तुम्हें बताया गया था इसके अंदर बैटरी लगी हुई, यहाँ से बड़े डंडे की तरफ प्लस और छोटे डंडे की तरफ माइनस हो, धारा प्लस तो माइनस की तरफ जाएगी, प्लस तो माइनस की तरफ जाएगी। ये बिंदु ए है, ये हमारा क्या है, बी है, यहाँ जा रही धारा, धारा जा रही आई का मान है यहाँ से 20 एम्पियर। अगर यहाँ 20 एम्पियर है आई का मान कितना 20 एम्पियर, जब आई का मान 20 एम्पियर जा रहा है इसमें, ए से कहाँ जा रहा है, बी की ओर।
अभी बताओ परिमाण तो पता ही, परिमाण कितना 20 एम्पियर ही, तो दिशा कहाँ, ए से बी की ओर। अब बताओ दिशा कहाँ से इसमें, दिशा हमारी ए से बी की ओर। कितनी चीज पता लगी, दो, एक तो परिमाण पता लग गया, एक क्या पता लगी, दिशा। और जहाँ परिमाण भी पता हो और दिशा भी पता हो, कैसी राशि हो तो विद्युत धारा कैसी राशि होनी चाहिए। लेकिन जान गहरानी होगी विद्युत धारा दिस राशि, यहाँ कल पेंच फंस गया था, यहाँ बात छोड़ दी थी। सही बात है, सबको पता है विद्युत धारा दिस राशि, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जिसके अंदर उसके अंदर ना परिमाण भी मौजूद हो, मैग्नीट्यूड भी हो उसके अंदर, उसके अंदर ना डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, फिर भी वो अधिस राशि क्या, अधिस राशि कैसे, जब दिशा भी आए परिमाण भी आए तो सदिस राशि होनी चाहिए ना। बात समझ में आई है, बता सवाल क्या है, सवाल क्या है, कल कहाँ पेंच फंस गया था सवाल पर। हाँ क्या बताया सवाल, बता बराबर स्पीड में, क्या प्रतिरोध दिख रहा है, रापटा सा लगा मुंह पे, याद रखो ये, लेकिन ना विद्युत धारा है, विद्युत धारा धारा क्या मना पैम पेमेंट नापते, फॉर्म जमा करते जब तक समझ में आने देते फॉर्म जमा करने की। तो बता भाई क्या बताया था, ये बता इसमें जो इसमें ये विद्युत धारा का परिमाण भी पता हम और दिशा भी पता, तो कैसी राशि होनी चाहिए जहां दिशा परिमाण दोनों पता हो, तो फिर विद्युत धारा कैसी राशि है। लेकिन पूरी दुनिया में प्रचलित है विद्युत धारा दिस राशि, छोटे छोटे 10वीं क्लास के बच्चों को पता रहा है कि विद्युत धारा दिस राशि, तुम्हें तो नहीं पता, बस आया समझ में, इसीलिए कह रहा हूं तुम्हें यही समझना, ऐसा है क्यों, ये तो छोरी गलत होगी, फिर जो किताबों में लिखी हुई, किताबों में तो लिखा हुआ सदिश राशि उसे कहते हैं, परिमाण और दिशा होती है, तो उसमें परिमाण भी दिशा भी, फिर भी अधिस राशि कैसे, समझ गए, इतनी बात पंगा फंस जा, अब बड़ी बड़ी परीक्षा में यही सवाल पूछ, समझ में आया बात है, सुन लो ध्यान से, अब हम गौर से समझना, आगे सारी बातें यूज होगी, रट्टा एक भी चीज का नहीं मारना, और लिखना सिर्फ कोई जो पेपर में आएगा, बकवास नहीं लिखनी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ना मैं लिखवाने का ना मेरे पास टाइम है, सही बात है, मैं वही चीज लिखाऊंगा पेपर में आगे, पेपर में आगे भविष्य में आपका फ्यूचर में काम आ गई, थोड़े अनसर्ट के सिर में दर्द हो रहा है तो उसे भी लिख रहे, सिर में दर्द होना है, फालतू सिर ड्रामे है, फालतू के बैठे बैठे लिख रहे, घंटों घंटों बैठे चला रखे, ये हो गए वो हो गए, बात समझ में आया माती, अब ध्यान गौर से सुन लेना अच्छे तरीके से, मैंने बताया कि विद्युत धारा के अंदर परिमाण भी है दिशा भी है और फिर भी सदिश राशि, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जो विद्युत धारा है ना जरूरी नहीं है कि सदिश राशि भाई होगी जिसमें परिमाण और दिशा हो, दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है जिसमें परिमाण और दिशा होगी भाई सदिश राशि हो, सदिश राशि होने के लिए एक चीज और फॉलो करनी पड़ती है। अरे भाई क्लास में तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो 12वीं क्लास में नंबर आने की जरूरत थोड़ा ही ना, मेरी पास पढ़ो और नॉलेज भी हो जाएगी नंबर भी आ जाएंगे ना, लगातार घर बैठ कर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। किसी ने कहा भाई जी के पास ट्यूशन पढ़ लो अच्छी समझ हो जाएगी, और भाई दूसरा 12वीं क्लास के अंदर ना तेरे ठीक ठाक अच्छे नंबर आ जाएंगे, चलो दो दो नियम दो पॉइंट बता दिए, इतना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए घर का स्टडी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, बैठ कर इग्नोर करना पड़ेगा दोस्त, अवॉइड सोशल गैदरिंग, अवॉइड 12वीं क्लास पास करनी तो तमीज, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम दोस्त हट साइड में लगाना पड़ा, कितनी चीज जरूरी होगी भाई, तीन, अगर 12वीं क्लास में ब्रांड बनना तो एक ही बार बना जा, बार बार थोड़ा नहीं बन जाता, समझ में ही बात है, ठीक, दो ही चीज अनिवार्य नहीं है कि ट्यूशन में पढ़ना और भाई जी पढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा, चलो समझ में ही बात है, नहीं तीसरी चीज पहले जरूरी है, सतीश राशि होने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो, एक चीज और जो मिसिंग हो रही उसका नाम है बीजगणितीय पालन, हो सके तुम पहली बार सुनने हो नाम है बीजगणितीय पालन या बीजगणितीय नियम, इसे फंसा सको तुम किसी को, अच्छा अच्छा फंस जाएगा, 8 चैप्टर पढ़ो बैठा हुआ तो यू पता नहीं सदिश राशि अधिस राशि क्या हो, गायब पट्टा भविष्य में फ्यूचर खराब हो जाएगा, इतना डेफिनेशन नट रखा है, यो लिखने का नतीजा लिखना ही नहीं, समझ में आया मातिया, तो बीजगणितीय नियमों का पालन करना जरूरी है। अभी बीजगणितीय नियमों का पालन कैसे होगा ये समझेंगे, नोट लिखने जा रहा हूँ फिर कॉपी में भी सही नोट करना, आज समझ में नोट में लिखने जा रहा हूँ मैं, सदिश राशि होने के लिए जरूरी नहीं परिमाण और दिशा हो, वह राशि बीजगणितीय नियमों का पालन करना चाहिए, देखो मैं क्या कह रहा हूं, वह राशि बीजगणितीय नियमों का पालन करती हो, सदिश राशि होने के लिए, सदिश राशि लिख देता हूं ताकि तुम भूल लो ना, सदिश राशि होने के लिए, होने के लिए वह राशि बीजगणितीय नियमों का पालन करती हो, अभी क्या हो बीजगणितीय नियम, बीजगणितीय
नियमों का पालन करती हो। जब तक नहीं समझ लेंगे इसका लाइन का मतलब, तब तक तुम सदी शास्त्री कभी समझ में नहीं आएगी। अब समझो यहाँ बीज गणित के नियम क्या, इसकी बार बार जरूरत पढ़ने वाली, पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं समझ में नहीं आता पहले चैप्टर कैसे ठाक पढ़ा दोगे, जिस बच्चे ने 11वीं नहीं पढ़ी कैसे पढ़ा लगा चैप्टर वो। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं पहली क्लास को यहाँ आकर, क्योंकि जितना यूज होगा मुझे पहले पता ना। समझ में आया बात यार? अब बीजेडी तीन होगा पालन कैसे करेंगे ये भी समझ लो। जरा मुझे एक बात बताओ, अच्छा बल के बारे में तो पता लग चुका होगा। मान लो यहाँ कोई पार्टिकल रखा हुआ, पार्टिकल है कोई कण। समझ एक बात, दूसरा पॉइंट मान लो हैश टैग लगा दिया मैंने, एक कण है पार्टिकल हमारा, कोई पार्टिकल कण कुछ भी कहते हो कोई वस्तु हो उसको बल लग रहा, यो हमारा ये रखा हुआ इस पर दो बल लग रहे, एक इधर लग रहा है। समझ एक बात यार, अरे एक इधर तो लग रहा है बल, एक तो इधर तो बल लग रहा है एक इधर तो बल लग रहा है, कितने बल लग रहे इस वस्तु को, वस्तु इस वाली वस्तु में कितने बल लग रहे हैं। समझ आई बात है, एक तो बल लग रहा है इस दिशा में, समझ अरे एक बल लग रहा है कहाँ ऊपर, तो कितनी दिशा में बल लग रहे हैं दो, एक तो इस दिशा में बल लग रहा है एक कहाँ ऊपर बल लग रहा है ऊपर बल, तो कितने बल लग गए, एक वस्तु पर कितने बल लग रहे हैं। ठीक है साहब, जब एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं हमारे, एक बल इधर लग रहा एक बल लग रहा इधर, जो इधर बल लग रहा होगा उसे हम एफ वन कह दिया, और जो भी सदिश राशि होगी ना सबको पता बल सदिश राशि उसके ऊपर हमेशा वेक्टर लगा कर रखे तीर का चिन्ह। बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं पूरी फिजिक्स में, एफ से लिखोगे ये पहला बल है ये दूसरा बल है एफ टू, समझ में ये कौन सा बल है पहला बल जो वस्तु पर लग रहा था ऊपर, ये कौन सा बल इधर दूसरा बल जो इधर साइड से लग रहा था, कितने बल हो गए दो बल हो गए। अगर हम कहने लगे ना अगर ये पहले वाले बल का मान है 2 न्यूटन और इस वाले बल का मान है 4 न्यूटन तो बताओ इस वस्तु पर कुल बल कितना लग रहा होगा, ये बिंदु पी पर जो वस्तु बताओ कितना लग रहा होगा, कितना बैठेगा। अरे एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं नहीं लग रहे है? तो दो और चार कितने बल लगे, कितने न्यूटन का बल लगा इस वस्तु को बता, तू बता सिंपल सा हिसाब है, तू बता गिनती में आता वही दो दो चार टोपी होगा दिमाग आज तक बाहर निकटा थोड़ा ही हो क्या, जुड़ने का ही नहीं हो, क्यों नहीं जुड़ने का, सदिश राशि को कभी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, यही तो बीजगणित नियम हो, यही तो यहाँ लिखा है जो लाइन लिखी हुई है, सदिश राशि को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये बात दिमाग में धारण कर लो। क्यों नहीं जोड़ सकते, उन्हें जोड़ने के लिए एक नया रूल बनाया गया जो कक्षा 11 में बैठ कर मजा मिला ना, वो तीसरे चैप्टर में यहाँ आता हो, समझ में बात यार, वो क्या नियम बनाया गया समझ लो यहाँ से, समझ में जानना चाहते हो क्या बात बताई, सदिश राशियों को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता है, मुंह तो बोल लो दोबारा बोल लो, समझ आई बात है, तो कैसे जुड़ू, नहीं 2 और 4 6 हाँ मजा आ गया है, ऑप्शन में हो वहां से इस तरह 6 फिर नहीं बात यार, और घर आकर फिर 6 6 6 करते फिर रहे हैं, घर आकर जब फैल हो जाना फिर लग जाने का 6 रहे, बात समझ में आई है, चले इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, इन्हें निकाल जो कुल बल होगा ना वो कुल बल यहां से जाएगा, उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ग्राफ भी बनाने सिखाऊंगा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बल जाएगा कुल जो बल होगा वहां तक जाएगा, पता लगा मैंने तीर का चिन्ह क्यों लगाया इसके ऊपर, सदिश राशि के ऊपर हमेशा उसको जब प्रदर्शित करेंगे किसी संख्या तक किसी अक्षर तक उसके ऊपर हमेशा तीर का चिन्ह ही लगेगा, जिसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं है ना वह सदिश राशि नहीं है, समझ गए। अभी अब मुझे इस एफ का मान निकालना, यो एफ पता क्या है, रिजल्टेंट फोर्स कुल बल है, ये दोनों को जो जोड़कर बनेगा, अब जोड़ा कैसे जाएगा, जोड़ने के लिए सूत्र बनाया गया, वो सूत्र यहां बोर्ड बता रहा हूं, वो सूत्र सब बच्चों को याद रखना, अभी कहीं कहीं जगह यूज करवाने वाला हूँ सूत्र को, 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में यूज होगा, जो पहले यूज होना उसके अंदर में पहले बता के चलूं, दो सदिश राशियों को भी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, मैं भी कह रहा हूं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एफ बराबर रूट ऐसे लगा रूट, एफ का मतलब है ये इन दोनों को जो जोड़ का कुल बल है, जो ये सूत्र का प्रयोग करना, ये सूत्र कहां से आया, कक्षा 11 से आया भाई, अब मैं कक्षा 11 बजे जाकर सिद्ध तो करवाने का रहा तो चुपचाप अंदर निचोड़ निकाल लूं, इतना तो काम का है कि भाई जी ने यार बताया यार दो सदिश राशि को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो फिर जोड़ेंगे कैसे, ऐसे जोड़ेंगे, ये क्या है सूत्र, सूत्र कैसा, समांतर चतुर्भुज का नियम, बोलो समझ एक बात यार, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम लो, क्या लो, पैरेललोग्राम लो, पर बोलो समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ने चले पीजी चार एम पीजी पढ़ने, एफ वन का स्क्वायर जो पहले वाला नंबर होगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ से,
प्लस जो दूसरे वाला नंबर होगा ना उसे लिखेंगे यहाँ से, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू इंटू कोस थीटा, इसके बीच में नया नंबर भी बताना चाहिए यहाँ से, यहाँ कितना है इसके बीच में, कोण कितना है। अगर कोण नहीं पता होगा ना, जितना कोण पता होगा उसे यहाँ रख देंगे। एफ वन का मान कितना, दो न्यूटन यहाँ रख देंगे। एफ टू का मान कितना, एफ टू का चार न्यूटन यहाँ रख देंगे। चलो करके देखेंगे सवाल, एफ बराबर इनके बीच में है ना बैटेरिया, कोण नहीं आयो, कितने का आयो 90 डिग्री का। अब बताओ रूट लगाया यहाँ से, डरना नहीं से देख, F1 का मान कितना, दो, तो यहाँ लिखा दो और दो का क्या कर देंगे स्क्वायर। F2 का मान कितना, चार का क्या कर देंगे स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ, दो कहाँ था सरकारी, ये क्या है F1 का मान कितना, दो, गुणा लगाएंगे यहाँ, जहाँ कुछ नहीं तो गुणा छीनो। ये क्या है F2 का मान कितना, चार। ये क्या है कोस थीटा, ये थीटा का मान पता कितना, थीटा का मान ये बीच में, थीटा का मान है 90 डिग्री, कितने डिग्री, तो यहाँ इसकी जगह कितना लिख देंगे 90 डिग्री। अभी से हल करेंगे, हल करने के बाद एफ का मान देखो कितना निकल का आगा, चलो देखते हैं कितना आगा। पहले दो का स्क्वायर बताओ, चार नहीं जाएगा, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस दो दूनी चार दूनी, अच्छा यूँ बताओ दो दूनी चार, चार चौक 16 गुना कोस नब्बे का मान पता कितना हो, जीरो। अब जीरो की 16 में गुना करेंगे क्या बन जाएगा, जीरो। और जब जीरो बन जाएगा तो एफ बराबर आ जाएगा भैया, एफ बराबर आ जाएगा 16 × 4 = 20, तो रूट 20 न्यूटन आगा, रूट 20 न्यूटन, जो गाड़ देने 6 न्यूटन, देख लो उनके मुंह को तमाचा है, समझ में आया बात यार। किसी बच्चे तो पूछ लो एक वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, पढ़ाई तो तेरी बाद में होगी, पहले यही बता दो मुझे, पढ़ाई तो बाद में होगी, एक वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, एक तरफ लग रहा है 4 न्यूटन का बल, अब बता कुल बल कितना लगा, तो कूद को बताएगा 6 न्यूटन। ढंग से पढ़ ला, क्यों जल्दी खराब कर रहा भाई, पढ़ ला यो पढ़ना। अब एक बार समझ लिया तुम, अब तुम्हारे दिमाग में जहर की तरह बस गया बात, कि आज के बाद यही खास बात हो, बस मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा यूँ कहता है एक बार पढ़ा दो आप बस, फिर साला बुद्धत्व तक याद रहेगा, समझ में आई बात यार, ठीक, एंटीबॉडी की तरह दिमाग में प्रवेश कर जाए, ये समझ में आया नहीं आया। एक और उदाहरण देने जा रहा हूँ तुमसे, और तुमसे पूछूंगा मैं बताऊंगा पहले ये सदिश राशि अदिश राशि, अगर सदिश राशि हुई तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना, इस सूत्र का प्रयोग करना, अगर अदिश राशि हुई ना फिर डायरेक्ट जोड़ सको तुम, जैसे मैं कहने लगू तुम ये हमारा सर्किट, इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही, इधर इधर 2 एम्पीयर की धारा बह रही, उसके बाद इसके अंदर बीच में यहाँ कांटे से आगे प्रतिरोध आया, यहाँ से इधर 4 एम्पीयर की धारा बह रही, विद्युत धारा कैसी राशि नू बताओ अदिश, 4 और 2 कितना, 4 और 20 कितना हो जाएगा 24, डायरेक्ट जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया 4 और 20 जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता, सदिश राशि को कभी डायरेक्ट जोड़ा जा सकता, अगर यह सदिश राशि होती ना तो मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ता सर, इसलिए बीजगणित नियमों का पालन नहीं करती है, क्योंकि इसे डायरेक्ट जोड़ा जा सके इसलिए अदिश राशि है, और जिसे डायरेक्ट जोड़ा जा सके वो अदिश राशि होगी। मान लो घर से चले तुम, पहुंच गया नहीं सी अड्डा, ऐसा समझो पहुंच गए, कितने किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चले, उसके बाद आधे तेली वाले चले गए 2 किलोमीटर का, वहां चक्कर भरा, समझ आई बात यार, वो दिक्कत तो नहीं है अंत तक, वहां भी कुछ नहीं मिला, उन भाव नहीं दिया, घर आ गए, कितने किलोमीटर चले 3 किलोमीटर, बता सकते हो कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी 8 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि तुमने डायरेक्ट जोड़ा 3 और 2 = 5 और 3 = 8, डायरेक्ट जोड़ा नहीं इसलिए दूरी, डायरेक्ट जोड़ा ना इसलिए दूरी अधिस राशि में, ये दूरी ना देखो दूरी वह अधिस राशि में, यहाँ मैंने तुम्हें बताया था दूरी अधिस राशि में आगे, जिसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो वह अधिस राशि, जिसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, जिसे जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ता उस अधिस राशि होगी, तो जरूरी नहीं है बाबू सदिश राशि होने के लिए परिमाण निर्देशा हो, सदिश राशि होने के लिए बीजगणित नियमों का पालन करनी चाहिए। बीजगणित नियम क्या हो, समांतर चतुर्भुज का नियम, किसका नियम है, ये समांतर चतुर्भुज हमारा का नियम, ऐसे नोट्स में लिख लेना, बकवास नहीं बननी नोट्स में, जैसे लिखवा जा रहा है ऐसे उतारना हूबहू जाकर, आज ही क्लास का, आज क्लास का काम, दूसरी क्लास का काम, क्लास नंबर 2 चल रही, पहली क्लास जरूर देख लियो, बार बार देखोगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता चला जाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, समझ आई बात, यदि बात बताओ समझ में नहीं आई, आगे बढ़ाऊँ, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, देने जा रहा हूँ मैं तुमसे, पूछूंगा कि बताओ इसे डायरेक्ट जोड़ू नहीं जोड़ू, बताऊंगा मैं बस अधिस राशि अधिस राशि, चलो अच्छा डायरेक्ट जोड़ दोगे, जोड़ तो दिया तुम ना, कितनी दूर तय करी, 8 किलोमीटर का चक्कर मारा, 8 किलोमीटर का जो चक्कर मारता चला गया हो, ये क्यों जोड़ा तुमने 8 किलोमीटर, क्योंकि दूरी भाई पता कैसी राशि, अधिस राशि। अभी मैं एक चीज और तुमसे पूछना चाह रहा हूँ,
एक पार्टिकल है, पार्टिकल कण को कहते हैं, उस पर ना उसका डिस्प्लेसमेंट है चार मीटर, इसका 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। अरे विस्थापन कैसी राशि हो, और सदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ दोगे, सदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ दोगे, किसका नियम का पालन करोगे, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन, बीजगणित के नियमों का पालन, किसका किस कैसे जोड़ोगे सर, समांतर चतुर्भुज के नियम से विस्थापन को कैसे लिखो, पहला जो विस्थापन है वो D1, दूसरा कितना बैठेगा D2, और टोटल जो बैठेगा उसे क्या बैठेंगे बोलेंगे D, वो बीच में से होकर जाएगा, और सूत्र क्या बैठेगा इसका D बराबर रूट D1 का स्क्वायर। अच्छा इसके ऊपर वेक्टर लगा दो ना, वेक्टर लगा दिया क्योंकि विस्थापन है ना, प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1D2 cos थीटा। ये बात सबकी समझ में आई क्या, आज के बाद अगर 230 राशि जोड़ना हो जोड़ लोगे क्या, इसकी जरूरत पड़ेगी, देखो हैश टैग लगा रहा हूँ, यहाँ तक सुन लेना, जो एक बिंदु हो इस बिंदु पर ना यहाँ से जो जो इसका नाम है E1, और मैं कह रहा हूँ E1 का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भले तुमने नाम नहीं सुना, एक बार सुन लो, बोल मुंह तो बोल के देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं कह रहा हूँ ये सदिश राशि, कैसी राशि है, और ये बिंदु P पर इधर इधर E2, और दोनों के बीच में कोण है थीटा, ये भी सदिश राशि, ये भी तो वेक्टर लगा है सदिश राशि, तो E1 में E2 डायरेक्ट जोड़ दोगे, डायरेक्ट जोड़ दोगे, नहीं जोड़ देंगे ना, क्यों नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि कैसी राशि है, और सदिश राशि को जोड़ने के लिए किसका नियम का पालन करना पड़ता, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ता, बीजगणित नियमों का पालन, किसका, अब मुझे एक बात बता दो कि ये बात तुम्हारी समझ में आई क्या है, कि परिमाण और दिशा ही नहीं जरूरी हो, कि जरूरी नहीं हो कि परिमाण और दिशा ही हो तो भी सदिश राशि होगी, सदिश राशि होने के लिए परिमाण और दिशा के साथ साथ बीज गणित के नियमों का पालन करना चाहिए, तब सदिश राशि कहलाएगी, ये प्रॉपर पॉइंट, इसके बाद कुछ नहीं है, सदिश सदिश राशि का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इट इज क्लियर, यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके गाइस, ओके लेट्स स्टार्ट, नोट योर कॉपी, एक बात बताऊ मुझे ध्यान से, अगले वाला एक और हैशटैग रहेगा, जितनी भी भौतिक राशियां हो ना सबके मात्रक होंगे, सबके टोटल जो भौतिक राशियां हो ना, अच्छा भौतिक राशि क्या हो, भौतिक राशि हो जिसे माप सकते हो, जिसे माप सकते हो उसका मात्रक जरूर होगा, भौतिक राशि होगी ना, प्रत्येक भौतिक राशि का क्या होगा, मात्रक जरूर होगा, और मात्रक लिखना तुम, मात्रक, और मात्रक होगा ना एक चीज होगी उसका नाम है विमा, विमा भी होगी, ये भी लिखनी तुम साथ साथ लिख कर चलनी, मात्रक विमा, दूसरा वह भौतिक राशि कैसी होगी, राशि ही दो प्रकार की हो सकी, वह क्या, तो वह होगी सदिश, ये समझा चुका मैं तुम, या होगी वह अदिश, अदिश, ये बात बताओ समझ में ही नहीं आई, क्या समझाने की कोशिश करी जा रही, ये तीन चीज कोई भी भौतिक राशि होगी ना उसका मात्रक पता होना चाहिए, और मात्रक हमेशा सूत्र से पता लगेंगे, मात्रक कैसे पता लगेंगे, सूत्र से पता लगेंगे, ये बात और अच्छी समझ में वही आ जाएगी तुम, सही, विमा कैसे पता लगेगी, यह भी सूत्र से देख के पता लगेगी, यह भी सूत्र से पता लगेगी, सूत्र से, तो किसी भी भौतिक राशि के बारे में तीन चीज हमेशा पता होनी चाहिए, मात्रक विमा और राशि, राशि कैसी है, सदिश अदिश, अगर सदिश हुई ना तो उसमें दिशा होगी, और यह बताना पड़ेगा दिशा कहां होगी, बात सुनिए, कितनी चीज जरूरी है भौतिक राशि के बारे में, तीन, नंबर फर्स्ट मात्रक, दूसरा विमा, तीसरी राशि, राशि सदिश हुई तो क्या बतानी पड़ेगी, दिशा, दिशा कहाँ होगी, समझ गए, ठीक है, अब एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, 10 मिनट की 15 मिनट की कहानी, वहाँ इसी हिसाब से मैं नोट करूंगा, चैप्टर अब स्टार्ट होगा, ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये 12वीं क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा तुम्हारे लिए, 12वीं क्लास पढ़ने जा रहे हो उसमें सारी बातें यूज होगी, अब तक 11वीं तो नहीं, वन्य मट्ट की कक्षा 11 बस, इतना इतना 11वीं के लिए, यही इतना कक्षा 11 होगा, अब 12वीं क्लास में जाओ, अब यहाँ तक कहानी स्टार्ट हो रही है, लिखना कुछ नहीं, समझना और कहानी के तौर पर पिरोना सारा का सारा, हुआ था क्या है, कहना क्या चाह रहा है, क्यों पढ़ रहे, दिक्कत क्या है इसकी, भविष्य में किसी काम का भी है नहीं, हो या कॉपी भरेंगे बस बैठ बैठ कर, मास्टर लिखवागा 8 चैप्टर 10 चैप्टर हो गए, फायदा ही नहीं है कुछ, भरता जा कुछ फायदा थोड़ा ही हो रहा है इसका, जितनी कॉपी उठाकर मेरा नोट्स उठाना, मैं बनाऊंगा 4 पन्नों का नोट्स, वो बनाएगा 20 पन्नों का नोट्स, 4 पन्नों के नोट्स तो वही सवाल आएगा जो पेपर में कई साल तक आगा लगातार, उसके 20 पन्नों तो नहीं आने का, तो मुझे नहीं लगता वो तो इनरिलेवेंट होगा ना, अप्रासंगिक होगा, 4 पन्नों को बार बार रटो जा, क्यों चक्कर में पड़ रहा फालतू के, समझ गए, बाकी सब समझना,
और सब फोन पर मौजूद है, जा प्ले करके देख रहे जाके, मैंने थोड़ा ही कर रहा कोई, तू बच्चे चला रखे LCD में चला चला के बैठ रहा है, LCD में लगा नहीं पूरा का पूरा, और देख रहे हो चुपचाप बैठ लो इंजॉय, हटा दो सर भूलने के तो नहीं सर, क्या क्या बताया अभी, भूलने को बचेगा नहीं, डाटा बहुत देना पड़ा बच्चे को, ये थोड़ा ही एक चीज भी लिखवाना पड़ रहा है, खड़ा होगा भाई बोर्ड से समझना अच्छे तरीके से, खाली बोर्ड की भी तैयारी नहीं करनी पड़ती, जो बोर्ड की तैयारी करने बैठे उसका कुछ नहीं होना, भविष्य में कभी उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जो बोर्ड की तैयारी करने बैठेगा ना वो गया, उसकी नहीं है डूबनी डूबनी, समझ नहीं बात यार, जो बोर्ड तो थोड़ा एक लेवल ऊपर चला जाएगा ना यार, ना छोटा ही तैयारी करनी, इस 12वीं के बाद भी तो कुछ करना, मुझे बेरोजगार गली में घूमना, समझ में आया बात यार, बेरोजगार के पुजारी बन जाओगे फिर गली में घूमोगे, सबसे पहले आज समझेंगे ये विद्युत आवेश क्या हो, क्या भला आ रही हो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश समझेंगे, आवेश क्या दो और विद्युत आवेश क्या दो एक ही मतलब, ध्यान से समझना कि विद्युत आवेश क्या है, यहाँ तो चैप्टर स्टार्ट, अब तो जो समझा नहीं समझा अब छोड़ देना बिल्कुल भी, विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में बताना इलेक्ट्रिक, क्या नाम चार्ज, CHARGE चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका नाम है, विद्युत आवेश कैसे कहते हैं, देखो भैया बात ऐसी है कुछ, आज तो 2500 साल पहले ना, 2500 ईसा पूर्व साल पहले नहीं, ईसा मसीह के जन्म तो 2500 साल पहले, ईसा मसीह का जन्म पता कब हुआ था, 1 जनवरी सन 1 को पहला जो साल हुआ जहाँ तक डेट स्टार्ट हुई, उस तो 2500 साल पहले यूनान के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और यूनान को यहाँ नहीं है, यूरोप के देश में हुआ यूनान, 2500 साल पहले ना भैया, 2500 साल पहले, 2500 ईसा पूर्व, और वो भी 2500 ईसा पूर्व का मतलब पता क्या है, ईसा पूर्व का मतलब भैया BC, बी फॉर क्रिस्टस, इसका मतलब BC का मतलब हो कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट समझते हो, प्रयोग हुआ, एक परीक्षण हुआ, और ये प्रयोग पता किसने करा है, उस दार्शनिक का नाम था, वो कोई वैज्ञानिक नहीं आता, दार्शनिक था, 2500 ईसा पूर्व पहले जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ वो एक दार्शनिक ने करा, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट को परीक्षण बोलते हैं हिंदी में, परीक्षण, परीक्षण हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना बड़ा कमाल का कर देने वाला, जब तो बिजली भी नहीं आई थी दुनिया में, कभी सोचा नहीं था किसी ने बिजली बनाएगी, बिजली तो कई उससे 5000 साल बाद आकर बनी बिजली, एक्सपेरिमेंट देखो कितने साल पहले हो रहा, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट करा किसी वैज्ञानिक ने नहीं, दार्शनिकता, दार्शनिक उसे कहते हैं जो पहले चीजों को हाँप लेते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं बहुत अच्छा वाला, समझ नहीं बात यार, जो अंदाजा लगाते हैं और पहली चीजों को हाँप लेते हैं दार्शनिक कहते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं उसे पता रहा भविष्य में क्या होने वाला है उसके साथ, तो परीक्षण एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट बड़ा कमाल का हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट कराने जो परीक्षण करा पता किसने करा, थेल्स नाम था 10वीं क्लास में, इनका नाम तो परमे भी है, थेल्स परमे, अगर किसी ने सुना होगा तो भाई ये थेल्स परमे वही है, पता कौन है, दार्शनिक है, दार्शनिक जो पहले यहाँ पर अंदाजा लगा ले, जैसे तुम अपने बारे में तो कुछ ही पूछ रहे बता दूंगा, क्योंकि तुम मेरे सामने दो लाइन बोल लोगे ना, मैं बता दूंगा किस विचारधारा का, किस मानसिकता का हो, और भविष्य में क्या करेगा, इतना तो मुझे अनुभव, ये थेल्स कौन थे, दार्शनिक थे, क्या करा इन्होंने, एक्सपेरिमेंट करा, कब करा, 2500 साल पहले करा, अरे भाई एक्सपेरिमेंट में कुछ करा भी, विद्युत आवेश समझाना मुझे, विद्युत आवेश समझाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट के बिना सब कुछ अधूरा, समझ गए, कोई दिक्कत, चमक रहा क्या, बड़े चमक रहा, इतनी बात होता समझ में नहीं है, कोई दिक्कत, अब जो थेल्स थे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले इन्होंने ना इधर एक पदार्थ लिया, पदार्थ बड़े कमाल का था, अंबर नामक पदार्थ, नाम का पदार्थ का नाम था अंबर, अब तुम सोचते हो पता नहीं कैसा पदार्थ, अंबर नामक पदार्थ, अंबर उसका नाम था पदार्थ का, अंबर नामक पदार्थ लिया, अब जब अंबर नामक पदार्थ लिया, एक तरफ लिया ऊन, ऊन ऊन तो जानते हो जो भेड़ के बालों तो बनाई जावा ऊन, जर्सी भी स्वेटर भी तुम्हें देने किसी ने स्वेटर स्वेटर ऊन का हो, जो ऊन हो ना, जो ऊन हो वह ऊन हो उसे इसके साथ ने रगड़ना स्टार्ट कर दिया, कमाल का एक्सपेरिमेंट, अंबर नामक पदार्थ को ऊन के साथ रगड़ना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा था, चट्टानों से निकलने वाला एक पदार्थ हो अंबर नामक पदार्थ, ये अंबर नामक पदार्थ थी, सही बात है, ये अंबर नामक पदार्थ थी जो मेरे सामने मौजूद है, ये अंबर नामक पदार्थ देखो, चिट्ठी बहुत प्यार के साथ चिपक जाती है, अंबर नामक पदार्थ है, आजकल तो जो हो ना डायमंड टाइप की जो रिंग हो, डायमंड टाइप की जो रिंग हो उसमें बनाने में इस्तेमाल हो रहा, तो एक बार दिखाता हूँ तुम्हें, ये पदार्थ
ठीक है, हल्का हल्का डायमंड का जैसा दिख रहा है हल्का हल्का, तो इसका मतलब है अंबर नामक पदार्थ को उसने ऊंचा रगड़ना स्टार्ट कर दिया। किसने 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 खेल्स ने, कौन था वो दार्शनिक, कहाँ का था वो ये दार्शनिक, कहाँ का था बीच पड़ेगा वो, कहाँ का था वो दार्शनिक, ये दार्शनिक था कहाँ का था, यूनान का, यूनान, और यूनान है वो यूरोप के अंदर, और यूरोप महाद्वीप कई सारे 28 देश है वो यूनान के अंदर, इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कोई दिक्कत है कहाँ। चलो इन्होंने जब आपस में रगड़ना स्टार्ट करा तो खतरनाक चीज पाई इसने इसके बीच में रगड़ने के बाद एक्सपेरिमेंट कर, और जो पाया ना इसने रगड़ कर देखा पहली बार, सबको हैरान कर देने वाला था। सोचना चाहते हो क्या हुआ होगा, पता क्या हुआ, इस वस्तु में अंबर नामक पदार्थ में ना हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण दिखाई दिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा गया तो हल्की पदार्थ, इस अंबर नामक पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण दिखाई दिए। दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, बचपन में हम छोटे छोटे थे ना, एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पेन को उठाया और ऐसे सिर में रगड़ रगड़ कर ना उसको धूल के कण चिपक जाते थे। एक्सपेरिमेंट कितनों ने सुना है, सुना है नहीं सुना है, करा भी हो, कागज चिपक वाले तो फटाफट, कागज बहुत हल्का हो उसको चिपक जाता है। ये एक्सपेरिमेंट को हम चाहे कर कभी देख सकते हैं, अभी किसी के सिर में तेल लगा रखा हो तो ठीक है, हल्का सा देखते हैं होगा नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, वो छोटा छोटा कागज के टुकड़े होते हैं और आकर फटाफट चिपक जाते हैं उसको, समझ में आई बात, या ज्यादा बड़ा टुकड़ा होगा ऐसा करो थे, ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे, देखो एक 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 वस्तु होगी, अरे दूसरी वस्तु होगी, कितनी वस्तु होगी, दो, और जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, मेरे सिर में खुजली मार रही है, समझ आई बात है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे ना, रगड़ेंगे तो इस वस्तु में और इस वस्तु में हल्की वस्तु को आकर्षित करने के गुण आ जाएंगे। ये 2500 साल पहले का एक्सपेरिमेंट जो बचपन में अब आकर कर रहे, 20,000 साल बाद, 10,000 साल बाद आकर कर रहे, 2500 साल पहले का एक्सपेरिमेंट, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद क्या होगा, हल्की वस्तु आकर्षित करने गुण आगे, देखो 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 होगा, जादू सा हुआ था, जादू सा हुआ था, मजा आएगा भाई, मजा आएगा, अरे छोटा कर दूसरा, देखो 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 देखो, एक वस्तु हुई, बाल भी खराब हो गए इसके चक्कर में, वाओ ताली बजा, ताली बजा, अरे क्या ही ताली बजानी, हमने थोड़ा ही करायो, इनने करा, इसके नाम पर बजाओ ताली, इसके नाम पर बजाओ ना ताली, क्या देख, इन्हें तो कमाल कर दिया, फाड़ कर रुमाल कर दिया, धमाल कर दिया, अब पता लगी कहानी है, जिनको ना क्या पढ़ाओ, इनको देखिए पापा जी क्या पढ़ाओ, ये पढ़ाओ पापा जी, याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आई बात, ये हो जाएगी। ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, और भी एक्सपेरिमेंट करूंगा, इस बार तो सारे तार लेकर आऊंगा, बिजली के ही करके दिखाऊंगा सारा का सारा, पूरी बिजली बना दिखाऊंगा इस बार। चलो बताओ पता लग गया उसने क्या करा, ओ भाई पता क्या हुआ इसमें, ये हुआ, ये अंबर नामक पदार्थ था ना, ये पदार्थ था, इस पदार्थ के अंदर ना, इस पदार्थ के अंदर जो हल्की वस्तु थी, हल्की वस्तु, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया, आकर्षित करने का गुण आया, ये बात तो समझ में नहीं है, कोई दिक्कत। अब तुम सोचते हो यार ऐसा हुआ क्यों, ये कागज कैसे चिपक गया इसके ऊपर, समझ गए, ये कागज चिपक कैसे गया इसके ऊपर, समझ में आई बात, ये जानना चाहते हो, यही तो एक्सपेरिमेंट, इसने पूरी दुनिया चेंज कर रख दी। पढ़ाई को सिर्फ मैं भी कह रहा हूँ किताबों तक सीमित नहीं रखना, उसे किताबों से बाहर निकालना, और जिस दिन तुम पढ़ाई को किताबों से बाहर निकालना शुरू कर दो ना, वास्तव में तुम उस दिन पढ़ाई कर रहे थे और थ्योरी उसी दिन काम की, ये तो सब बेकार, पढ़ो जाओ भूल लो जाओ, पढ़ो जाओ और भूल लो जाओ। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आया इसमें, और ऐसा कहीं भी देख लो तुम, जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा, जो दोनों वस्तुएं ना उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इस गुण का नाम पता क्या हो, इस गुण को पता क्या कहते हैं, इस गुण, मैं भी कह रहा हूं, इस गुण को हम कहते हैं, गुण का नाम, ये जो गुण बताया मैंने तुम्हें, इस गुण का नाम पता क्या है, इस गुण का नाम विद्युतमय होना, विद्युतमय, विद्युतमय, इलेक्ट्रिफाइड, क्या नाम है, और दूसरी भाषा में ना जो अंबर, इसे यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे, इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन नाम था, अंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन है ना, यह विद्युतमय, देखो इस गुण का नाम तो
गुण का नाम विद्युतमय होना। हम ऐसे कह सकते हैं ये अंबर नामक पदार्थ ना ये चार्ज्ड हो गया, चार्ज हो गया, इस पर आवेश आ गया, आवेशित हो गया। इंग्लिश में तो कहेंगे चार्ज, हिंदी में कहेंगे आवेशित हो गया, दूसरी भाषा में कह सकते हैं विद्युतमय हो गया, विद्युतमय। और विद्युतमय क्या हो, गुण्य है। और फिर इसका मतलब विद्युतमय होने का मतलब क्या है, आवेशित हो गया, क्या हो गया, आवेशित। ये बात बताओ समझ में नहीं, तो यहां तक क्या निष्कर्ष निकल गया, इसका मतलब अगर कोई विद्युत आवेश कुछ है ना, कुछ नहीं है विद्युत आवेश, एक लाइन में बताओगे विद्युत आवेश गुण है, पूछो किसका गुण है यार, वस्तु का गुण, कौन सी वस्तु का जो आपस में रगड़ी गई थी, क्या काम था उस वस्तु का, हल्की वस्तु का आकर्षित करने का काम कर रही थी, वाह समझ नहीं बात, या इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, ये बात क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। जब हम क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं के अंदर ना हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता, हम ऐसे कह सकते हैं उस गुण को ये वस्तु विद्युतमय होगी। और ये विद्युतमय होगी ना, तुमने देखा जब घोड़ा ना रोड पर चलता उसके पैरों में कभी कभी चिंगारी उठा, टकरा के पत्थर, दो पत्थर आपस में टकरा जाए चिंगारी उठा, जो पत्थर तोड़ने का काम करते हो ना, जब शाम के 7-8 बज जा तो टक टक पत्थर तोड़ा हुए तो चिंगारी उठती दिखाई दे, एक वस्तु दो वस्तु आपस में टकरा रही ना, तो उसका मतलब वहां विद्युत जनरेट हो, इलेक्ट्रिक जनरेट हो जा, वहां विद्युत पैदा हो जा। भी तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, दुनिया में बिजली कहां था बनी है, कैसे आ गया, आज तो इतना डेवलप हो चुका मनुष्य, देखो 5000 साल पहले उसकी स्थिति क्या थी, आज तो 2500 साल ईसा मसीह के जन्म, 2500 साल पहले जाओ उसकी स्थिति क्या थी, लगभग 5000 साल पहले मनुष्य कैसा था और कैसे एक्सपेरिमेंट करके यहां तक पहुंच जाओ, यही नहीं पता खैर फायदा क्या पढ़ाएगा, बात समझ में ही नहीं आई, समझ में आया बात, या पढ़ाई मैंने कहा कम करनी, जितनी भी करनी ना डंके की चोट पर खड़ा होकर कहना ये पढ़ाया पूछ क्या पूछना, बिना किताब के पूछ, वाह पढ़ाई जिन चौड़ाई पर खड़े हो गए कह दो ना ले डंके की चोट पर कह रहा यू पढ़ाया भाई जी ने, अब पूछ क्या पूछना, और किसी को बुला ले समझ गए, अपने मास्टर को बुला ले, इतने मास्टर को नॉलेज नहीं आया, ये बताओ कहानी समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम पता लग चुका, और एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तबाह करके रख दे दुनिया को, और लेकिन जो थेल्स थे ना, थेल्स ने चेता दिया दुनिया को, पहले हिंट दे दिए थे कि ऐसे चिंगारी जो उत्पन्न होगी तुम दो वस्तु को रगड़ते इस तो आग भी ले जा सको, इसके बारे में और सोचा गया, और जब ऐसे सोचा गया ना धीरे धीरे दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा गया तो धीरे 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 आग खोज होते हुए आज हम यहाँ तक पहुंच चुका मनुष्य, आज हम लाइट बना कर बैठ गए, ये लाइट तो बहुत दूर की बात है, इसके अंदर कहते नहीं फोन जब डाउन हो जाए चार्ज पर लगा दे सर, चार्ज लगाने का मतलब पता क्या है, आवेशित कर दे सर, आवेशित, और आवेश पता क्या है विद्युतमय होना, और विद्युतमय पता क्या हो गुण हो, इसका मतलब वस्तु आवेश विद्युत आवेश हो क्या, तो एक लाइन में कह सकते हो विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण हो, किसका, वस्तुओं का, तो मैं ऐसे कह सकते हैं नोट NOTE, विद्युत आवेश एक प्रकार का वस्तुओं का गुण होता है, विद्युत आवेश आवेश एक प्रकार का, एक प्रकार का वस्तुओं का भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण होता है जिसके कारण वह, जिसके कारण वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, विद्युत आवेश एक प्रकार का वस्तु का भौतिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु आवेशित, वस्तु जो आवेशित हुई, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, पूछूंगा तुमसे आलिया में कि बताओ विद्युत आवेश क्या है, पूरी कहानी सुनूंगा कि गुरुजी आपने बताया देखो 2500 साल पहले, 2500 साल 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म तो 2500 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट पर परीक्षण हुआ, और ये एक्सपेरिमेंट ऐसे बताना अपनी भाषा में, खड़े होकर सुनाना पड़ेगा तो याद रखना बात है, थे एक दार्शनिक थे, किसी को कहानी सुनानी पड़ेगा, और यूनान के दार्शनिक थे में उन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ा, और उन्होंने पाया कि इस वस्तु एम्बर नामक पदार्थ के अंदर ना रगड़ने के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आगे थे, उसी गुण का नाम हमारा विद्युतमय था, और गुण का नाम विद्युतमय था, उसी गुण को आगे चलकर ना यू कहा गया कि यह जो वस्तु ना आवेशित होगी, क्या हो गया, आवेशित होगी, इतनी बात बताओ समझ में आई, तो आवेश क्या हुआ एक प्रकार का, आवेश एक प्रकार क्या हुआ भौतिक गुण, किसका, वस्तु का,
तो विद्युत आवेश क्या हो, एक प्रकार का भौतिक गुण हो। बताओ क्या हो विद्युत आवेश, एक प्रकार का भौतिक गुण। तो विद्युत आवेश एक प्रकार का पता क्या हो, विद्युत आवेश एक प्रकार का भौतिक गुण हो। किसका हो, आवेशित वस्तु का। आवेशित वस्तु के अंदर क्या जा, हल्की वस्तुओं को न आकर्षित करने के गुण आ जा। हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आया, हल्की वस्तु को आकर्षित करती है जो आवेशित वस्तु, जो आवेशित हो चुकी, चार्ज हो चुकी। एक बात याद रखना, इसी बात एक्सपेरिमेंट को तुम आसान भाषा में ऐसा कर सकते हो, दो हथेली आपस में रखो, पास ले जाओ, ऐसा करना स्टार्ट करो, देखो गर्म हो रही है, हो रही सर्दी में इस तरह बहुत गर्म, ऐसा लगे भांग मसाले लगा, ऐसा बाजू ऐसा करो, नहीं करते वो उसी कारण हो, वो हो ही इसी कारण। ऐसे जैसे करना स्टार्ट करोगे ना तो इसका मतलब गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कह सकते हो, दोनों हथेली चार्ज होगी। चार्ज होने का मतलब आवेशित हो चुके, और आवेशित मैंने भी कह रहा हूँ, आवेश एक प्रकार का क्या है, गुण। याद रहेगी बात, क्या चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज बॉडी। आवेश एक वस्तु का भौत आवेशित वस्तु का भौतिक गुण होता है। एक लाइन में इतनी बात याद रखनी, और यह पूरी कहानी याद रखनी, और नोट्स में इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना, नोट करो। एक बार देखो अगला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर मैं समझाने वाला हूँ, कुछ लिखवाने वाला हूँ, देख लो यार किसी तरीके से। देखो मेरा ऐसा करना स्टार्ट करा है ना, समझ में आया बात, या बाल तो खराब होने ही, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा मुझे ब्याह करवाना, समझ में आया बात। देखो ध्यान से देखो, उड़ गया था, दोबारा देखो एक्सपेरिमेंट, किसी के सिर में तेल लगा हुआ क्या, देखो जल्दी ध्यान से देखो, ध्यान से उड़ गया, उड़े नहीं गया, देखो, अरे यार देख ये उधर देखो, उड़ा फिर रहा है, ले इसे ले, इधर आ तू, आ जा, इतना तेल क्यों लगाओ तू, इतना मेरे बचपन में लगाती थी। देख जल्दी फटाफट ध्यान दे, उड़ के नहीं उड़ के, उड़ देखो 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 यार फटाफट देखो भाई यार, देखो देखो ध्यान से ध्यान, उड़ गए बस जाओ। इसका मतलब क्या है, एक वस्तु को मैंने दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा, घर्षण के कारण पता क्या हुआ, उस वस्तु के अंदर जिस वस्तु को रगड़ा गया ना, उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ चुकी, गुण आ चुके, और इस ने पता क्या हुआ, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इस ने हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो हल्की वस्तु को आकर्षित करने का यह मतलब हुआ, यूं नहीं कोई किसी को खींच रखता, बिना एनर्जी के दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, बिना ऊर्जा के। इसका मतलब इसके बीच में ऊर्जा लगी, उस ऊर्जा का नाम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम, क्या तो हिंदी इंग्लिश हिंदी में कहेंगे विद्युत, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां बीच में जो ऊर्जा लगी ना, उस ऊर्जा का नाम विद्युत, विद्युत विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई, क्या समझाने की कोशिश करी जा रही, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो। बीच में ना जब इन हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो यहाँ बीच में एनर्जी कंज्यूम हुई, या हमारी मैंने वहां अंबर नामक पदार्थ, ये अंबर अंबर नामक पदार्थ, इसने ना हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो हल्की वस्तु थी ना, हल्की वस्तु अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित। चाहे तुम रुई देख लो, किसी वस्तु का रुई एकदम तुरंत खींची चली आ गई, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अच्छा, जैसे अपने हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो आकर्षित करने के कारण ना इसके बीच में एक एनर्जी यूज हुई, ऊर्जा यूज हुई, उस ऊर्जा का नाम ही हमारा विद्युत है भाई। और विद्युत ऊर्जा कह दो या विद्युत कह दो, इसका मतलब इनके बीच में यहाँ विद्युत पैदा हो चुकी। इसका मतलब मैं पेन को भी रगड़ के दिखा रहा हूँ, उसके बीच में विद्युत पैदा हो चुकी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो चुकी उसके बीच में। जब भी तो वहां से पता क्या हो, जंगलों में दो पत्थर आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद जंगलों में आग लग जाए, पूरा पूरा जंगल फूका पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। घोड़ा जब चलता हो ना, उस पर सड़क पर, पत्थर वाली सड़क पर, उस जब टकराव आपस में दो वस्तुएं, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। जब तुम वहां पर हाथ आपस में रगड़ रहे थे ना, गर्म होना स्टार्ट होगी, गर्म होने का मतलब विद्युत में, और विद्युत में का मतलब आवेशित, आवेशित का मतलब चार्ज, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इनके बीच में विद्युत जनरेट हो चुका है ऑटोमेटिक। बात समझ में आई, क्या कहने की कोशिश करी जा रही, ये बात बता दो दिमाग में, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। यहाँ तक क्या निष्कर्ष निकल आया, एक ही निष्कर्ष निकल आया, इसका मतलब दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं, तो दो वस्तु को आपस में रगड़ने थे ना, वे ना विद्युतमय हो जाती है या आवेशित हो जाती है। याद रहेगी बात, या विद्युतमय हो जाती है या आवेशित हो जाती है, और आवेशित होना क्या है, एक प्रकार का गुण, किसका, वस्तुओं का। इतनी तो बात याद रख सको, मैं कुछ तुमसे बताओ, आवेश क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है आवेश, वस्तुओं का गुण पूछो, कैसा गुण,
जिसके कारण ना वे चार्ज हो जाती है, वे ना गर्म हो जाती है, उस गुण के कारण ही गर्म होती है। समझ नहीं बात या? जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो गर्म नहीं होगी, क्यों गर्म हुई है? जिस गुण के कारण गर्म हुई उसी गुण का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत नाम देखो, विद्युत नहीं लिखा, लगा दिया, पता लग गया विद्युत क्यों लगाया, इनके बीच में एक एनर्जी लगी, उस एनर्जी का नाम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो मेरा अपने आप ही थोड़ा उठका जाएगा, कोई कागज उठकर हल्के बता तो अपने आप थोड़ा, कोई तो खींच रहा होगा, एक बल लग रहा होगा, एनर्जी लग रही होगी, जहां बल लगेगा वहां एनर्जी लगेगी, बिना एनर्जी कुछ है ही नहीं, तो जो एनर्जी लगी ना वहां, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, दूसरी बात हम उसे विद्युत कहते हैं, विद्युत। ये बात बता दो, समझ में नहीं है कोई दिक्कत, कहानी को आगे बढ़ाऊ, बात यही नहीं रहे, बात कहानी यही नहीं पहुंची, कहानी आगे पहुंची। पेपर में कोई तुमसे पूछ ला कि विद्युत आवेश क्या हो, कुछ भी नहीं है यार, विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है, कुछ क्या हो गया ऐसा गुण यार, इसके कारण ना जो वस्तु है वे आवेश हो जाती है, चार्ज हो जाती है। समझ नहीं बात यार, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। और जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस हम विद्युत कहते हैं, इसीलिए हम इसे विद्युत आवेश भी कह देते हैं, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। एक ही लाइन है इसकी, विद्युत आवेश कुछ नहीं है, वस्तु का भौतिक गुण जिसके कारण न वस्तुएं गर्म हो जाती है, विद्युतमय हो जाती है। समझ में आई बात है, जिसके कारण वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है या विद्युतमय हो जाती है, जैसे गर्म होगी विद्युतमय होगी, हल्की वस्तु को अपनी ओर नहीं खींचेगी, ये तो लिखा हुआ, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जो आवेशित वस्तु होगी। बात समझ आई बात, 1757 की बात है, इसका मतलब 1750 ईस्वी की बात है, ईसा मसीह के 1750 साल के बाद, अब ये तो पहले की बात थी, ईसा पूर्व का पहले हो, और एडी का मतलब बाद अब, यानी आज से लगभग 300-400 साल पहले, एक बेंजामिन नाम थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, ये दार्शनिक नहीं आए थे, इन्होंने सब कुछ चेता दिया, खतरनाक एक्सपेरिमेंट करा। अब पता क्या कहा, अब देखो क्या कहा इन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक वैज्ञानिक थे, कैसे यहाँ तक तो नोट कर लिया तुम ना, मैं हैश टैग लगा रहा हूँ, हैश टैग का मतलब कहानी यहाँ से स्टार्ट कर रही है। सही बात यार, इसका ही मतलब है, देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने वैज्ञानिक उन्होंने 1750 ईस्वी में आग, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी का मतलब सन, लगभग आज तो 300-400 साल पहले, सही बात है, सन 2000 कौन सा चल रहा है, 22 चल रहा है, 23 चल रहा है, इसका मतलब 300-400 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबको चेता दिया और सबको हैरत में डाल दिया। पता क्या बात पता लगाई, क्या बात पता लगी, ये तुम्हें पता लगा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तुम्हें आवेशित हो जाएगी, पता लग चुका, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तुम्हें क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दिया ना पक्का आवेशित हो जाएगी, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, गर्म होने का मतलब वे विद्युतमय होगी, और विद्युतमय का होने का मतलब है आवेशित हो चुकी, और दूसरी भाषा में कह सको हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ चुका। बात समझ में आई, मैं जितनी बार बोल लूंगा ना, जितनी बार मैं मुंह खोल लूंगा इतनी बार नहीं समझ जाओ, इतनी बार तुम्हारा पक्का होगा। समझ में आई बात यार ठीक, इसलिए बार बार अपने मन में बैठे बैठे रिपीट करो क्या कहा गया, कुछ नहीं यार वस्तु का आवश्यक ये कुछ नहीं है, बहुत ही गुण है जिसके कारण हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता। बच्चे ने कोई एक्टर पढ़ लिया उसे विद्युत आवेश नहीं पता, गलत है, दिक्कत खड़ी जाएगी। समझ नहीं बात यार, यहाँ की कहानी सुनाई हुई पूरी जिंदगी भर दिमाग बंद नहीं तो रहती, जहर की तरह खप जा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता क्या कहा, सुन यार सुन, कह रहा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने चलते हो, दो बॉडी को लिया आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दिया, तो दो वस्तुओं में एक वस्तु ऐसी होगी जो हल्की हो जाएगी और एक वस्तु ऐसी होगी जो भारी होगी। समझे, ऐसा पाया हो ना, जब दोस्तों का तुमने दोनों थैली बराबर है, लेकिन एक वस्तु ऐसी होगी जो ज्यादा बल लगाती होगी, जो ज्यादा बल लगागी ना तो यह वस्तु भारी कहलागी, जो कम बल लगागी वह हल्की वस्तु कहलागी, तो कितनी वस्तु होगी, दो। जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे ये तो पता लग चुका है गर्म हो जाएगी, जिस गुण के कारण गर्म होगी उसका नाम क्या है, विद्युत आवेश को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, विद्युतमय। विद्युतमय कह दो, आवेशित कह दो, या गर्म होना कह दो, या ऐसा कह सको उनके अंदर ना हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। समझ में आया ठीक। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में यह पाया कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ रहे थे ना, और रगड़ने के बाद ऐसा देखा गया कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु तो ऐसी जिसके अंदर ना हल्की होगी और एक ऐसी जो भारी होगी। सोचा ये क्या होगा कि दो वस्तु को जब रगड़ने बैठे, एक वस्तु तो हल्की होगी और एक वस्तु कैसी होगी, भारी होगी, ऐसा क्यों पाया उन्होंने, कुछ हुआ होगा, यही समझते क्या हुआ था? बताओ क्या हुआ होगा,
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, उनका यार दो वस्तु का परस्पर गठन बैठते हल्की क्यों हुई है और एक वस्तु भारी क्यों हुई, और जो पाया ना सबको हैरान कर देने वाला था। थेल्स ने तो बताया जो आवेश ऊर्जा की वस्तु को एक गुणा जाओ उसका नाम आवेश हो, इन सबको चेता दिया बता रहा है आवेश दो प्रकार का हो, एक हो धनात्मक एक हो ऋणात्मक, लोगों का दिमाग खराब। इसलिए तुमने देखे ना जो बिजली में तारा वो घर में जो तुम्हारे कीवी ला रहा है उसमें दो तार, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज और माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज, वो हित वन कर रहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया जब दो वस्तुओं का परस्पर रगड़ते हैं ना एक वस्तु हल्की होगी एक होगी भारी, ऐसा क्यों ये भी समझ लो, एक वस्तु या कौन सी दूसरी वस्तु, सारी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, हर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण एक प्रकार के, ये भी समझ लो, हर वस्तु जो छोटी छोटी बड़ी से बड़ी वस्तु ध्यान से समझना ना गौर से समझ लेना क्या समझाया जा रहा, जिसे तुम देख सको अपनी आंखों तो, मान लो यो मार्कर काट दो सर इतना छोटा सा कर दो और तो, कुछ भी जो आसपास तुम्हारे नजर आ रहा इतना छोटा कर दिया बस आंखों से इतना सा देख सको तुम, उसका नाम हो अणु, क्या नाम हो उसका अणु, पता होगा सबको मोलिक्यूल, मोलिक्यूल। अब जितना जो छोटा रहता ना उसके भी कम से कम 10,000 टुकड़े कर दो, 10,000 टुकड़े कर दिए एक बचेगा दिखाई देना बंद हो जाएगा वो भी, जब दिखाई देना बंद हो जाएगा ना उसे पता क्या बोल लेंगे, परमाणु, परमाणु ये परमाणु। एक वैज्ञानिक का बाप ने कह रहा ना अब परमाणु के भी टुकड़े कर दे, परमाणु के भीतर भी कुछ पाया जा, परमाणु के भीतर पता क्या पाया जा, नाभिक, मैंने पहले पढ़ा रखा है नाभिक, ये नाभिक हो और नाभिक के अंदर पाया जा दो कण पाया जा, एक तो प्रोटोन और दूसरे का नाम न्यूट्रॉन, याद कर लेने सबसे ऊपर क्या होगा अणु, किसी भी पदार्थ का सबसे जो छोटा कण हो ना जो अंक तो दिखाई देगा उसका नाम क्या हो अणु, और जो अंक तो नहीं दिखाई देगा उसका नाम क्या हो परमाणु, परमाणु के भीतर क्या पाया जा नाभिक में क्या हो प्रोटोन न्यूट्रॉन, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं ऐसी कक्षाएं हो इसमें घूमता रहा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझ बात यार ये क्या घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, याद रहेगी बात यार इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं जाने का कभी भी, नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा, यह थ्योरी वैश्विक स्तर पर यही थ्योरी चलती है, पूरी दुनिया में यही थ्योरी चलती है, अब तक परमाणु को लेकर जानकारी ज्ञात हुई अब तक इलेक्ट्रॉन को लेकर, पूछे इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन ये क्या है प्रोटोन और न्यूट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है ना ये है आवेशित कण, क्या है जितना बताऊं मैं इतना याद रखो अभी, आवेशित कण ये आवेशित कण नहीं है ये अनावेशित कण, इसको कोई चार्ज नहीं होता, यो इस पर तो माइनस का चार्ज हो और प्रोटोन में प्लस का चार्ज हो, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उस पर जीरो लगा दे, न्यूट्रल हो उदासीन हो, उदासीन कौन सा सीन, याद रहेगी बात है इतनी बात बताओ समझ में नहीं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता क्या पाया, अब ये बताऊं मुझे हर वस्तु के भीतर इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु के अंदर अणु होंगे नहीं होंगे, हो गए इस वस्तु के अंदर जब अणु होंगे तो अणु होगा तो फिर परमाणु भी होगा, अब परमाणु होगा तो इसके भीतर फिर नाभिक भी होगा, और नाभिक होगा तो नाभिक में प्रोटोन भी होंगे, और प्रोटोन पर कैसा आवेश होगा प्लस, और नाभिक के बाहर क्या होंगे वृत्ताकार कक्षाएं उसमें कौन घूमता रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा माइनस, माइनस तो इसका मतलब हर वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, जहां तक नजर जा रही सबके भीतर इलेक्ट्रॉन, इतनी बात बताओ समझ में नहीं। इस मार्ग इस पेन था समय से रगड़ना स्टार्ट करा था इसके भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हमें टटरे के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सबके भीतर होंगे, आज ऐसा कोई वस्तु नहीं है दुनिया में ब्रह्मांड में जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबके भीतर इलेक्ट्रॉन, याद रखना बात है हर चीज के भीतर इलेक्ट्रॉन। और जब हम दोस्तों का आपस में रगड़ना स्टार्ट करा ना तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता क्या कहा, यू कहा यह वस्तु ए है ये वस्तु बी है, मेन चीज समझना मैं भी कह रहा हूँ लिखना क्या हूँ सब बताऊंगा, अगर एक बार समझ डेवलप होगी ना जिंदगी भर दिमाग बदलने तोड़ने की, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन ना इस पर ट्रांसफर हो गए, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं ना तो रगड़ने पता क्या हो जो भारी वस्तु हो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और हल्की वस्तु में चले जाएंगे, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन ना भारी वस्तु में से निकलेंगे और हल्की वस्तु में चले जाएंगे, और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए ना उसको बहुत सारे थे और बहुत सारे थे धनवान हो, और जो धनवान है ना वो बांट सको दानी हो, जो दानी है ना उसको प्लस चार्ज आ जाएगा, अब बताओ और जो लेने वाला हो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा माइनस चार्ज, इतनी बात बताओ समझ में नहीं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पाया कि जो आवेश हो कितने प्रकार का हो दो,
इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में निकलते हैं, कहां चले जाते हैं, हल्की वस्तु में। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं उस पर जाता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें जाते हैं उस पर कहते हैं ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। अब बताओ आवेश कितने प्रकार का हो, एक तो धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल कर गए उसमें कैसा आवेश होगा, धनात्मक आवेश, और जिसमें गए उसको कौन सा, ऋणात्मक आवेश। खड़ी हो बता, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था, नंबर लगाऊंगा। फिर क्या सर, रो क्यों रही, तू बता पढ़ियो क्या बता। बता क्या बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उस वस्तु पर धनावेश होगा, कैसा आवेश होगा, और जिसमें गए इलेक्ट्रॉन गए कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। नीट बैठ जा, पढ़ो भाई। आवेश कितने प्रकार का हो, धनात्मक आवेश क्या होगा, प्लस का। अब बता क्या बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, हाँ क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। जिस वस्तु में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, और जिसमें जाएंगे, बैठ जा दिमाग में जा रही, बस भाषा सीख लो। खड़ा हो बता क्या बताया, हाँ अब ऐसा सवाल पूछो तुम्हारे 99% वाले, इस वस्तु पर कैसा आवेश होगा, एक 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 लाइन इंपोर्टेंट है, धनात्मक आवेश। इंस्टाग्राम चला ले, अब बताइए इस पर कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। बैठ जा, पढ़ो भाई क्या कहा है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, हाँ तो अच्छा सब वस्तु के भीतर इलेक्ट्रॉन, याद रखना सब वस्तु के भीतर परमाणु, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के बाहर नहीं है इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के भीतर नहीं है इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश हो, ऋणात्मक आवेश, कैसा आवेश हो इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन प्लस धनात्मक आवेश, क्यों हो बात करें, घबराने की जरूरत नहीं है। और न्यूट्रॉन पर आवेश हो, नहीं, कितना हो, जीरो। परीक्षा में पूछा हुआ सब, टीचर कुछ ही पूछ रहे प्रैक्टिकल, बैठ जा पढ़ो भाई बता क्या पाया यहाँ था, क्या बताया वो भाई, यहाँ पाठ न पढ़ बैठ खड़ा होगा, जो बता दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भारी वस्तु में निकल के दो हल्की वस्तु में चले जाएंगे, जिसमें तो जाएंगे उस पर धनात्मक आवेश, जिसमें जाएंगे ऋणात्मक आवेश। नींद चढ़ रही तुझे, लिखू तो ना था इसे, क्या लिखू यार पेपर में आने का नहीं, कि धनात्मक आवेश इसे क्या पता होना चाहिए कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे, रगड़ने में तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु में से भाग जाएंगे और दूसरी वस्तु में चले जाएंगे, जिसमें तो जाएंगे उस पर धनात्मक आवेश होगा, ऐसे ही बोलना, जिसके अंदर जाएंगे उसमें ऋणात्मक आवेश होगा। इसमें क्या लिखने वाली बात थी, कुछ भी, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, गौर से सुनो सब ध्यान, दो वस्तु मेरे पास, एक पर धनात्मक आवेश है, एक पर ऋणात्मक आवेश है, कौन सी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ए में बी में, इलेक्ट्रॉन ए में ज्यादा, तू बता। दो वस्तुओं को बस में रगड़ा, रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, धनवान तो ही है, ऐसा देने वाले धनवान हो। इलेक्ट्रॉन वस्तु ए में ज्यादा, रगड़ दिया हमने, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन वस्तु ए में ज्यादा, बी में ज्यादा, बी में बस साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन किस्मत आएगा, सारे किस्मत जा रहे, कौन देने वाला हो तो बता। इस पर धनात्मक का वेस्ट नहीं आएगा, धनात्मक ज्यादा हो, बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, बी में तो ऋणात्मक आवेश है, तू बता भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ए में, हाँ क्यों, तू बता भाई। बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बी में कैसे, बी थोड़ा दान कर रहा है, ए दान कर रहा है, ए के बी में चले जाएंगे, तो
ज्यादा किस्म है ए में बी में? तू बता है क्यों? तो दान कर, दान दान देने वाला बड़ा हो उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन होता? बिल गेट्स। और उसको पता क्या करना, अनुग्रह में एक दिन वो अपनी 99% संपत्ति दान कर दू ना, एक दिन वो अपनी 99% संपत्ति दान कर दू, अगले 5 दिनों में मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाएगी। कर दो रतन टाटा 90% दान कर दो, फिर उसके बाद इतनी हो जाए। उनके पास कलाकारी ना कमाने की, सही बात है। और हमारे हमारे आसपास गांव में इतने लोग इतने अमीर अमीर, 2-4 8-8 मंजिल ठुकी पड़ी और किसी को 2 रुपए का दान नहीं देते। इनकी थर्दी मांग में उदाहरण भी आएगा होगा, समझ में आई बात? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कौन सा भाई ए में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो? तू बता, पता नहीं तू बता। इलेक्ट्रॉन ये तो मसला, बच्चे ने सोचा इसमें धनात्मक आवेश होगा तो इसको ज्यादा होंगे देने वाला है ना। इलेक्ट्रॉन थे ए में ही ज्यादा, लेकिन जब उसके बीच में घर्षण होना स्टार्ट हुआ ना, सारे इलेक्ट्रॉन इसने सूत लिए, समझ में? सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भाग्य पहले अगले वाली वस्तु में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ तो एक ही बात याद रखनी, जिस वस्तु पर ऋणावेश होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन की हमेशा अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता इसमें होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी उसमें होगी, कमी होगी इसके अंदर अगर, सही बात है। तो सबका सोचने का अलग तरीका हो, ये बात बता समझ में? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे, बताओ दो वस्तु मेरे पास, एक यारी एक यारी, लोहे की वस्तु आपस में रगड़ा है ना, यह वस्तु ए है या वस्तु बी है, समझ की बात यार? अब उसके बाद इस पर ऋणावेश इस पर धनावेश, ठीक? तो तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे? एक पर तो ऋणावेश और बी पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे? बी में। अरे अकल के दो आवेश का बावर रगड़ दिया होगा तो जब तो आवेश आया फिर ट्रांसफर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ए में ज्यादा होंगे, बताया तो जिस पर ऋणावेश होगा इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वैसे ही थोड़े आवेश बिना रगड़ा आवेश आ जाएगा कुछ भी, जब तक रगड़े नहीं आवेश आ जाएगा अनुभव से, ये नक्की दोनों वस्तु घंटा खींच रहे किसी एक दूसरे की, जब ने रगड़ने क्या बना आपस में जाकर, आवेश तो जब ही आवे जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़ोगे, रगड़ने के बाद फिर आवेश आ चुका, इस पर ऋणात्मक आवेश है इस पर धनात्मक, जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होंगे, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मोर देन अच्छा वस्तु को हम बॉडी भी कहते हैं, बॉडी, तो जिस बॉडी पर निगेटिव चार्ज होगा ऋणात्मक आवेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होंगे। एक सवाल और पूछता हूँ, एक वस्तु एक्स एक वस्तु वाई, ठीक, इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 200 इलेक्ट्रॉन, बताओ कौन सी वस्तु पर धनावेश होगा कौन सी पर ऋणावेश होगा? मैंने बताया नहीं, मैंने तो इलेक्ट्रॉन बताया इस बार, कौन सी वाली वस्तु पे इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस चार्ज होगा कौन सी पे माइनस चार्ज होगा बता सको? ये बता रहा है एक्स पे प्लस होगा, तू बता। एक तो वस्तु एक्स उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। और एक वस्तु वाई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? किस पर माइनस होगा किस पर प्लस चार्ज होगा? वाई पर माइनस होगा और इस पर कितना कैसा होगा प्लस, तू बता भाई। एक्स पे प्लस, तू बता भाई भाई मैं क्यों तू बता एक्स प्लस वाई माइनस चुनू जाना अभी क्या बताया? जहां ऋणावेश होगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहले बताओ किस में, तो यहाँ कैसा होगा और यहाँ कैसा होगा? ये सीधी सी बात अभी तो बताया नहीं, सी एक थ्योरी नहीं तुम कैच कर पा रहे। मैंने क्या बोला, जिस वस्तु में ऋणावेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अभी क्या बोल रहा है? हाँ सी छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, ये तो दिक्कत है। थ्योरी तो पढ़ लम, उसकी चीजों का एप्लीकेशन करना भूल जा, दिक्कत यहां खड़ी हो जा। एक और देखो सवाल देखते दिमाग घुमा दूंगा, समझ में आया बात या? दो वस्तु को सामने रख, जिन्हें पढ़ लेना पहले चैप्टर में 3 चैप्टर है वो, ये छोटा सवाल लग दे, इन्हें बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ज्यादा उजियार बढ़ना, रख दो सामने छोटा सवाल लग दो, पता लग जाएगा औकात समझ में आ जाएगी। देखो भाई टाइम ना पास करो, पढ़ ले तभी तो होगा, ये कॉपी कभी कभी कॉपी बढ़नी होती ना तो भाई जी के नोट्स ठग बढ़ लेते हैं।
उनसे ज्यादा अच्छा लिख रखा, हटा दो सर। और अभी और सवाल लगा रहा हूँ, इसमें देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हैं तुम कि किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मतलब किस पर धनावेश होगा किस पर ऋणावेश होगा, मैं इलेक्ट्रॉन बताऊंगा तुम्हें, बता देना तुम ना, मान जाऊंगा तुम तगड़े प्लेयर हो। यह वस्तु एक्स है, यह वस्तु वाई, ठीक, इसके अंदर 10^-6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 10^-8 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें बताना कौन सी वस्तु धनावेश होगा कौन सी पर ऋणावेश होगा। इस पर कैसा होगा पित्ती पित्ती गुल हो जा, ये 12वीं यार, ठीक रुला देगी, एक ही पॉइंट में फंसा लोगे एक ही पॉइंट में, वो बेटा कुछ नहीं पता भी है, पता इलेक्ट्रॉन तो पता लग गया, क्या बताया था मैंने, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिस वस्तु में ऋणावेश हो उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, या जिस वस्तु में कम इलेक्ट्रॉन हो उस पर कैसा आवेश होगा, जिस वस्तु पर कम इलेक्ट्रॉन हो उस पर कैसा आवेश होगा धनावेश, और जिस वस्तु पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो कैसा आवेश होगा। अब तुम नहीं बताएं दोनों में ज्यादा कौन सा कम कौन सा, अच्छा तू बता इन दोनों पहले बता बड़ा कौन सा, तू बता। तो जो बड़ा हो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नहीं जो 10^-6 है ना, ये बड़ा ये छोटा ये तो नहीं पता तुम, ये तो सीखना है यहाँ से भाई। 10^1 तो लिखा हुआ -11, एक लिखा हुआ 10^-12, बड़ा कौन सा तुम सोचोगे, हो नहीं आयो ये बड़ा, वो कैसे ये भी समझ लो, एक तरफ लिखा हुआ 10^-18, एक तरफ लिखा हुआ 10^-11, कौन सा बड़ा, कूद के बताओ ये बड़ा, अरे कही के ये हो बड़ा, बड़े छोटे में अंतर नहीं पता, ये सीखना बजा कैसे सीखे से, जब इतना सा अंतर नहीं पता छोटा सा मैथमेटिक्स का एरर, फिजिक्स सीखने चले फिजिक्स, बता क्या करेगा ऐसी पढ़ाई का फायदा भी क्या है, अंतर रख दे सामने रख दो कौन सा बड़ा यू बड़ा क्यों बड़ा वो भी समझ लो, बड़ा क्यों, छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ छोटा सा, ध्यान देख लेना अच्छे तरीके से, एक तरफ लिखा हुआ 1/10, ठीक मैं 10 से 1 को भाग देगा तो आंसर आगा 0.1, 0.1 का मतलब 10 पैसे, 0 रुपये 10 पैसे, एक तरफ लिखा हुआ 1/100 आंसर आगा 0.01, इसका मतलब ये एक ही पैसा, एक पैसा भी पूरा नहीं आया हो, एक ही पैसा भी पूरा, एक पैसा ये कितने पैसे 10 पैसे, एक पैसा ज्यादा हो 10 पैसे ज्यादा हो, ज्यादा ये वाला, ये वाला ऊपर वाला 1/10 ज्यादा कि 1/100 ज्यादा, एक बट अरे 1/10 को पता कैसे लिख सको, 1/10 घात कितनी है 1, इसे मैं लिख सकता 10^-1, 10^ ऊपर जाकर माइनस क्यों जा, आज के बाद यह बात याद रखनी, घात ऊपर जाकर माइनस क्यों जा, ये पता है 1/100 इसे ऐसे लिख सकता 10^2, इसे ऐसे लिख सकता 10^-2, अब बताओ बड़ा ये वाला था या नीचे वाला था, बड़ा बड़ा कौन सा था ऊपर वाला, इसका मतलब 10^-1 बड़ा कि 10^-2 बड़ा, पता लग चुका है माइनस में घात जितनी छोटी होगी ना उतनी बड़ी होगी, समझ गए, माइनस में घात जितनी छोटी होगी इतनी बड़ी होगी, मैं कहने लगा बताओ 10^ लिखा हुआ -18 लिखा 10^-16 बड़ा कौन सा, 10^-16 प्लस में नहीं आया माइनस में चाहिए घात, समझ गए। अब मुझे एक बात बता दो जरा, इन दोनों में बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ये ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्स वाली वस्तु में ज्यादा कि वाई वाली वस्तु में ज्यादा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उस पर ऋणावेश हो धनावेश हो, तो एक्स पर कैसा आवेश होगा माइनस, इस पर कैसा आवेश होगा फिर, आगे समझ में बात, हर चीज को डिटेल से समझना, समझ में आया बात, ये यहाँ कभी बच्चा आया ना वो कभी खाली नहीं जाता, लेके जाओ पल्ले में भर के लेके जाओ, कुछ नोट करो क्या क्या नोट करना, कहाँ तक नोट करा था पहले नो बताओ, फिर नोट करने तरीका बताता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया, जो नोट करना बिल्कुल धनात्मक आवेश हो ऋणात्मक आवेश हो, और ये भी साइड से आई परमाणु की संरचना नोट करनी है, मैं ऊपर लिख देता हूँ परमाणु की संरचना, पदार्थ की संरचना बोल रहे हो, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, पदार्थ कैसे बना,